घर के बाहर बैठ गए हैं। देखिए कैसे नारेबाजी कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जो आपकी तानाशाही है, आपके सरकार की तानाशाही है, वो चलने वाली नहीं। हम कई आपको बेहतर मालूम है कि पिछले काफी महीनों से अरविंद केजरीवाल को लगातार सम्मन भेजा जा रहा था। शाम आज 10वां सम्मन भेजा गया था, ईडी ने आज ही केजरीवाल को 10वां सम्मन भेजा था। 6 बजे से लगातार पूछताछ कर रही थी और जिस तरीके से पूछताछ चल रहा था, अरविंद केजरीवाल को भी इस बात का अंदेशा था कि ईडी उनकी गिरफ्तारी कर सकती है। आप देख लीजिए स्क्रीन पर बड़ी खबर, 6 बजे से केजरीवाल से पूछताछ हो रही थी, अरविंद केजरीवाल को ईडी लेकर के जा रही है। आम आदमी पार्टी कह रही है 6 बजे से केजरीवाल से ईडी पूछताछ कर रही थी, ईडी ने आज ही केजरीवाल को 10वां सम्मन भेजा था, अरविंद केजरीवाल को ईडी लेकर के जा रही है, ये आम आदमी पार्टी कह रही है। और चूंकि 6 बजे से लगातार पूछताछ चल रहा था, आज 10वां सम्मन भेजा गया था, पूरी आम आदमी पार्टी को इस बात को लेकर के आशंका थी। और इस बारे में हम सीधा चलते हैं महेंद्र सिंह जी आपके पास। महेंद्र सिंह जी, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? महेंद्र सिंह जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? महेंद्र सिंह जी, ये कितना बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम है, क्योंकि केजरीवाल की गिरफ्तारी और ठीक लोकसभा चुनाव से पहले आज 10वां सम्मन भेजा गया था। आम आदमी पार्टी को इस बात को लेकर के शक था, आम आदमी के भीतर चर्चा थी, पार्टी इस बात को लेकर के सहमी हुई थी और अलग अलग प्लेटफॉर्म से लगातार केजरीवाल कह रहे थे कि बीजेपी उनकी गिरफ्तारी चाहती है, उनकी पार्टी को खत्म करना चाहती है, बीजेपी उनको उन केजरीवाल पर दबाव बना करके अपने साथ लाना चाहती है, लेकिन हम डरने वाले नहीं, हम दबने वाले नहीं है। अब आम आदमी पार्टी कह रही है कि केजरीवाल को ईडी लेकर के जा रही है, आज 10वां सम्मन भेजा गया था, इस पूरी राजनीतिक घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं? देखिए पंकज जी, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आज जिस तरीके से केजरीवाल को उच्च न्यायालय से कोई राहत नहीं मिली, ऐसे में साफ लग रहा था कि अब जो है केजरीवाल के खिलाफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कार्रवाई करेगा। अगर हम राजनीतिक रूप से देखें तो भारतीय जनता पार्टी बार बार ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि किस तरीके से वो भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मुहिम छेड़ रखी है, चाहे वो झारखंड में हेमंत सोरेन हो, चाहे वो कितने भी उच्च पद पे बैठे हुए जो राजनेता हो, अगर उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनके खिलाफ जो है कार्य करने में जरा सी भी नहीं हिचकेगी। तो ये एक प्रमुख मैसेज जो बार बार जो है प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार जो है आम जनमानस तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। ये अरविंद केजरीवाल ने ही कहा था कि कब वो समय आएगा जो जब राजनेता गिरफ्तार होंगे भ्रष्टाचार के आरोप में। तो अब मैं सोशल मीडिया देख रहा था, वहां पे भी अरविंद केजरीवाल के पुराने जो है ट्वीट को बार बार जो है रिट्वीट किया जा रहा है और ये एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि कोई राजनीति में कितने भी उच्च पद पे क्यों ना हो, अगर उनके खिलाफ कोई भी भ्रष्टाचार के आरोप लगेंगे तो सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करने से नहीं चुकेगी। ये उद्देश्य है भारतीय जनता पार्टी का। हाँ, इस पे आप प्रश्न उठा सकते हैं कि केवल विपक्ष के नेताओं पे कार्रवाई हो रही है, इस पे प्रश्न आप उठा सकते हैं कि जो राजनेता भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जा रहे हैं विपक्ष के, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है, लेकिन ये कोई प्रश्न नहीं उठा सकता कि क्या जो लिकर स्कैम है उसमें जिस तरीके से सरकार ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कार्रवाई की है और आम आदमी पार्टी के इतने बड़े बड़े नेता, चाहे वो संजय सिंह हो, मनीष सिसोदिया हो, उनके खिलाफ जिस तरीके से कार्रवाई हुई, तो सरकार ने जो है अपनी मंशा साफ कर दी है। ये कोई नहीं डिनाई कर सकता कि इनके खिलाफ आरोप नहीं है। आप ये आरोप सरकार पे या इन्फोर्समेंट एजेंसीज पे लगा सकते हैं कि जो सरकार के पक्ष में खड़े हुए राजनीतिक लोग हैं, सरकार उनके खिलाफ नहीं कार्रवाई कर रही है, लेकिन आप सरकार पे ये आरोप नहीं लगा सकते, एजेंसीज पे ये आरोप नहीं लगा सकते कि जिस केस में कार्रवाई की जा रही है वो केस गलत है या जो है उस वहां जो भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं वो गलत है।
तो इसी ये जो एक बहुत बारीक रेखा है, सरकार जो है चुनाव के पहले कोशिश कर रही है कि पूरे के पूरे चुनाव के मुद्दे को जो है एक, खासकर जब कोशिश की गई थी 2019 के पहले, आपको याद होगा चौकीदार चोर है जैसा कैंपेन चलाने की कोशिश की गई थी, जिसकी काट जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाए थे। तो ये भी वो काट है, खासकर ऐसे समय में जब इलेक्टोरल बॉन्ड्स की अगर हम बात करें तो उसको लेके विपक्ष आक्रामक हो रहा था। तो ऐसे में जो है ये एक ऐसा कदम है जिससे सरकार ये संदेश देना चाहती है कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ है, वो चाहे कितने भी उच्च पद पे बैठा हुआ व्यक्ति क्यों ना हो। ये बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन बड़ी खबर ये आ रही है कि ईडी लगातार उनसे पूछताछ करना चाह रही थी, वो कोई जवाब नहीं दे रहे थे, ईडी को कॉपरेट नहीं कर रहे थे, टीम के पास सर्च वारंट भी था, और इसको देखते हुए उनके घर के आसपास, आवास के आसपास काफी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई, और सौरभ भारद्वाज उनके घर पर पहुंच चुके हैं। वो आरोप लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री आवास के भीतर उनको जाने नहीं दिया जा रहा है, और सौरभ भारद्वाज ही आरोप लगा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को ईडी लेकर जा रही है, गिरफ्तारी की पूरी तैयारी हो चुकी है। ये सौरभ भारद्वाज का कहना है, वो सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि गिरफ्तारी की पूरी तैयारी, और आप देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पर कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आवास के बाहर बैठ गए, धरना पर बैठ गए, नारेबाजी कर रहे हैं, और इसी बीच कहा जा रहा है कि केजरीवाल की लीगल टीम सुप्रीम कोर्ट पहुंची है, टीम ने सुनवाई के लिए अर्जेंट लिस्टिंग करने की मांग की है। इससे पहले दोपहर 2:30 बजे दिल्ली हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति केस में गिरफ्तारी से राहत देने से इनकार कर दिया था। ईडी ने केजरीवाल को 17 मार्च को समन भेजा था, 9वां समन भेजा था, आज 10वां समन भेजा था, लेकिन वो एक बार भी पूछताछ के लिए नहीं आए। और ये जान लीजिए, 19 मार्च को समन के खिलाफ केजरीवाल हाईकोर्ट पहुंचे थे, उनकी याचिका पर 20 मार्च को सुनवाई हुई थी, कोर्ट ने बार बार समन भेजने को लेकर ईडी को तलब किया था। कहा जा रहा है सूत्रों के मुताबिक ईडी की पूछताछ में के कविता ने केजरीवाल का नाम लिया है, इसके बाद यह कार्रवाई की गई है। अब सौरभ भारद्वाज खुद कह रहे हैं कि गिरफ्तारी होने जा रही है, ईडी उनको उठाकर लेके जा रही है, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। पुरोहित साहब, राजनीतिक घटनाक्रम के तौर पे इसे कितनी बड़ी घटना मानते हैं, दिल्ली की राजनीति के लिहाज से, और साथ ही साथ पूरे राष्ट्रीय राजनीतिक घटनाक्रम को हम देखें, क्योंकि दिल्ली में कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल का अलायंस है, गठबंधन है, इसका असर पंजाब में भी देखा जाएगा, तमाम अपोजिशन पार्टीज रिएक्ट कर सकती हैं, और जिस तरह का माहौल बनता दिख रहा है, खुद उनके पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि ईडी ने उनकी गिरफ्तारी की तैयारी कर ली है, केजरीवाल को ईडी लेकर जा रही है, ये आप कह रही है, क्या कहना चाहेंगे आप, आपका रिएक्शन? पंकज कुमार जी, भी महेंद्र सिंह जी ने अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, मैंने परसेप्शन की जो बात की, भारतीय जनता पार्टी जो वर्तमान की है, मोदी सेंट्रिक भारतीय जनता पार्टी, अगर एक कार्यवाही करती भ्रष्टाचारियों पे तो उनका अच्छा एक परसेप्शन बन रहा था, लेकिन पिछले 8 महीने 10 महीने से जिन पे आरोप लगा रहे उनको ले लेके राज्यसभा मंत्री उनको उपकृत कर रहे हैं ना, इससे इनका परसेप्शन, मैंने कहा ना ग्राफ नीचे, पहले भी कहा ग्राफ नीचे चला जा रहा है। और जो केजरीवाल को इन्होंने गिरफ्तार करेंगे या पूछताछ कर रही है ईडी, कि ये प्रोसेस जो है विपक्ष के लिए, देखिए नेगेटिव पॉजिटिव राजनीति में सबका फायदा उठाना चाहिए, बीजेपी जैसे उठा रही, तो इस समय होना ये चाहिए जो आपने कहा कि विपक्ष को सारे अभी पहुंच जाए केजरीवाल जी के घर पे, सारे विपक्ष के नेता रात में, तो एक मैसेज जाएगा सारे इकट्ठे हो गए, और ये बीजेपी के पक्ष में नहीं जाएगा माहौल, क्योंकि बीजेपी मान ली बिल्कुल केजरीवाल बिल्कुल बिल्कुल। और अब मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, आप देखिए आरएएफ के जवान वहां पहुंच चुके हैं, आप देख सकते हैं, और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के नेता क्या कह रहे हैं, वहां के स्पीकर क्या कह रहे हैं, विधानसभा के स्पीकर वो क्या कुछ कह रहे हैं, हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, सुनिए दिल्ली की राजनीति की ताजा घटनाक्रम क्या है,
आम आदमी पार्टी के नेता क्या कुछ कह रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता आरोप लगा रहे हैं कि ईडी के अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके ले जा रही है, ये आपके द्वारा कहा जा रहा है। और अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर जिस तरह का माहौल बना है, उनके समर्थकों ने जिस तरीके से घेरा हुआ है, उससे पूरा माहौल अलग दिखाई पड़ रहा है। ध्यान रहे आज दसवां संबंध था, अरविंद केजरीवाल से पूछताछ हो रही थी। लेकिन आइए पहले सुनाते हैं आपके नेता क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए उनको। देखिए, सबसे बड़ी बात है, कोर्ट में अभी मामला चल रहा है, 22 अप्रैल की तारीख दी गई है, तो इतनी जल्दी किस बात की है? गिरफ्तारी की क्या जल्दी है, ऐसी रेड की क्या जल्दी है, ऐसी सर्च की क्या जल्दी है? और पूरा ये जो साजिश है, पूरी जैसे षड्यंत्र रचा जा रहा है, ये दिल्ली की जनता भी जानती है। और दिल्ली की जनता का प्यार और आशीर्वाद माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के साथ है। जिस प्रकार से पुलिस यहाँ डिप्लॉय की गई है, आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल निंदनीय है। नहीं, अभी बिल्कुल बातचीत नहीं हो पा रही है। हमें अब जो भी है इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आकर पता लग रही है, टीवी के माध्यम से पता लग रही है, और जल्दी ही अभी पता लग जाएगा आगे क्या मंशा है और ऐसी चीजों को क्यों किया जा रहा है। क्योंकि एक ही आदमी है जिससे डर है पूरे देश में, वो है माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। मैं सवाल दोबारा पूछ रहा हूँ कि क्या अगर उनको गिरफ्तार किया जाता है तो आगे क्या आप लोगों की? देखिए, अभी हम देखते हैं कैसे आगे कार्रवाई चल रही है, और हमें पूरा भरोसा है दिल्ली की जनता का प्यार और आशीर्वाद सीएम साहब के साथ। ये सर्वविदित है। तस्वीरें भी हम आपको लगातार, मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया, कुछ नहीं मिला, 600 लोगों को गिरफ्तार कर लिया अब तक। अब केजरीवाल जी को ले लें, तो डर ये है इलेक्शन आ गए हैं, इलेक्शन से पहले उनको गिरफ्तार किया जाए, उनकी आवाज को दबाया जाए, इसके लिए। देखिए, अभी कोई जानकारी नहीं है, अभी जानकारी तो टीवी के माध्यम से ही मिल रही है, और हम अंदर हमारी बात किसी से हो नहीं पा रही है। ऐसा लग रहा है कि सबके फोन को रख लिया गया है। लेकिन जिस तरह से ईडी आज आनन फानन में आकर आज रेड कर रही है, आज ही हाईकोर्ट में सुनवाई थी, हाईकोर्ट ने कहा कि इंटरिम रिलीफ पर 22 अप्रैल को सुनेंगे हम, आप 22 अप्रैल तक इंतजार कर लेते आप, तो ऐसी कौन सी आफत है? 2 साल से आप जांच कर रहे हैं ना, 2 साल से आप हमारे एक मंत्री को आप सालों से जेल में बंद कर रखे हुए हैं, हमारे एक सांसद को बंद करके रखे हुए हैं, आप सप्लीमेंट्री कुछ नहीं मिल रहा आपको, सुप्रीम कोर्ट के फटकार लग चुकी है कि ट्रायल शुरू करो, ट्रायल नहीं शुरू कर रहे हैं आप। आज कल भी सुप्रीम कोर्ट के माननीय संजीव खन्ना जी ने कहा कि पीएमएलए एक्ट में ईडी गुंडागर्दी कर रही है, सालों आप जेल में बंद रख रहे हो, इन्वेस्टिगेशन के नाम पर सालों बंद रख रहे हो, तो इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करो तब अरेस्ट करो, कल ही कहा, आज क्या आफत आ गई? तो इसका मतलब है ईडी को अपने मन से जांच करने नहीं आ रही है, ईडी को नरेंद्र मोदी का प्रेशर है, भारतीय जनता पार्टी को प्रेशर है, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रेशर में ईडी आज एजेंट की तरह सभी कानून को, सभी फंडामेंटल राइट को, कॉन्स्टिट्यूशन को, डेमोक्रेटिक सेटअप को तार तार करके आज ये साजिशें कर रही है, देश जवाब देगी इसका। देखिए, ये बिल्कुल साफ है कि क्या हो रहा है। ये दिख रहा है कि आज ही हाई कोर्ट ने नोटिस दिया है ईडी को कि समन्स क्यों ना क्वाश किए जाएं। आज ही हाई कोर्ट ने नोटिस दिया है कि क्यों अरविंद केजरीवाल को इंटरिम रिलीफ ना मिले, लेकिन उसके बावजूद कोर्ट के फैसले का इंतजार किए बिना आज ही ईडी अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने पहुंच गई है। क्यों? ये साफ दिखाता है कि एक राजनीतिक साजिश है, ये साफ दिखाता है कि ईडी के पीछे से छुपकर भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अरविंद केजरीवाल पर हमला कर रहे हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पता है कि अगर पूरे देश में कोई एक नेता है जो उनको चैलेंज कर रहा है, वो नेता अरविंद केजरीवाल है। ईडी कह रही है कि फिलहाल ये भी सर्च ऑपरेशन है और पूछताछ की जा रही है। सर्च ऑपरेशन के लिए उन्हें चार चार बसों में पुलिस भर के लाने की क्या जरूरत थी? सर्च ऑपरेशन के लिए उन्हें दो दो वैन रैपिड एक्शन फोर्स भर के लाने की क्या जरूरत थी? सर्च ऑपरेशन के लिए पूरे इलाके में बैरिकेड लगाने की क्या जरूरत थी? तो ये बिल्कुल साफ है। देखिए, ये कोई पहला सर्च ऑपरेशन थोड़ी हो रहा है, सैकड़ों जगह रेड मार चुके हैं, एक रुपया नहीं मिला है ईडी को 2 साल में। तो ये सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने की साजिश है। लेकिन मैं फिर से कहूंगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि अरविंद केजरीवाल एक इंसान नहीं है, अरविंद केजरीवाल एक आइडिया है, अरविंद केजरीवाल एक विचार है। आप एक अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करोगे तो सैकड़ों अरविंद केजरीवाल इस देश के संविधान को बचाने के लिए खड़े हो जाएंगे। संपर्क हो पा रहा है अरविंद जी से? बाद में कुछ बात अभी हो अभी कोई संपर्क नहीं है। गिरफ्तार हो जाते हैं तो क्या आप लोग यहाँ प्रदर्शन करेंगे, क्या करेंगे? देखिए, अभी तो देखते हैं क्या होता है।
ये सरकार बस तानाशाही सरकार है। सारे विपक्षी नेताओं को अगर वो जेल में डालना चाहते हैं तो चुनाव कराने की क्या जरूरत है, जब चुनाव ही सारे मुद्दा है कि सारे विपक्षी नेता को वो जेल में डाल दे रहे हैं। जैसे अभी आप देख रहे होंगे सत्येन जैन को दोबारा जेल में डाल दिया गया, मनीष जी को, संजय जी को, और इसी तरह से अरविंद केजरीवाल जी के घर पे और लगातार छापा और सिक्योरिटी सारी बढ़ा दी गई है, ना किसी से मिले, सारे फ़ोन जब्त कर लिए गए हैं। तो इस तरह से तानाशाही सरकार बहुत ज़्यादा ये काम कर रही है कि क्या किया जाए, मतलब सारे निर्दोष, अगर कोई भी प्रूफ है आप एक भी प्रूफ दे नहीं पा रहे हो और सबको जेल में डाले जा रहे हो, ये कहाँ का तानाशाही है? आपको अगर प्रूफ मिलता है तो आप कदम उठाइए, आपको एक भी प्रूफ नहीं मिल रहा है फिर भी आप जेल में सबको डाल रहे हैं, सबके घर पे ईडी का रेड मरवा रहे हैं। सिर्फ आप लोग को एक मकसद है कि सारे विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया जाए और अपना सरकार, एकाकी सरकार को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपने सुना, ये संजय सिंह की वाइफ थी, संजय सिंह की वाइफ अक्टूबर 2022 में गिरफ्तार हुए थे और उनकी गिरफ्तारी के बाद उनकी वाइफ बयान दे रही है कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी की सरकार तमाम विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कर रही है, अगर यही करना है तो आप चुनाव क्यों करवा रहे हैं। सीधा सीधा गंभीर आरोप प्रधानमंत्री मोदी पर और उनकी सरकार पर और उनके इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी पर। तो लेकिन ये तमाम नेता एक बात नहीं कह रहे हैं कि 2:30 बजे दिल्ली हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति केस में गिरफ्तारी से राहत देने से इनकार कर दिया था। सारी बातें कह रहे हैं लेकिन ये नहीं कह रहे हैं कि हाई कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया था। चलिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, अपने फेवर की चीज़ आगे रखते हैं, ये इनका काम है। लेकिन अब आइए आपको सुनाते हैं कि दिल्ली के फायर ब्रांड नेता बीजेपी के कपिल मिश्रा क्या कह रहे हैं, आइए उनको सुनते हैं। ईडी आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची हुई है। आज हाईकोर्ट ने जो टिप्पणी की है कि केजरीवाल की हो गिरफ्तारी पे रोक लगाने से कोई राहत नहीं मिल सकती, वो टिप्पणी यह इशारा करती है कि कोर्ट ने भी गंभीर सबूत देखे हैं अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार का। कमीशनखोरी का अंत जेल में ही होना था और जेल में ही होगा, आज नहीं तो कल अरविंद केजरीवाल का जेल जाना सुनिश्चित है। हमने 6 साल पहले ये कहा था कि मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और अरविंद केजरीवाल जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं उसका अंत तिहाड़ जेल में होगा। आज वो बात सच साबित होने वाली है, दिल्ली की जनता को न्याय मिलकर रहेगा। भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल के जेल जाने से दिल्ली की जनता राहत की सांस लेगी। कैग की रिपोर्ट हो या ईडी के डॉक्यूमेंट हो या कोर्ट की टिप्पणियाँ हो, ये सब इस ओर इशारा करती हैं कि केजरीवाल ने भ्रष्टाचार किया है, दिल्ली को धोखा दिया है, शराब घोटाला किया है और केजरीवाल का जेल जाना सुनिश्चित है। तो आपने सुना कपिल मिश्रा किस तरीके का दावा कर रहे हैं कि हमने तभी कहा था कि ये लोग जेल में जाएंगे, इनका अंत तिहाड़ में होगा, और ये कह रहे हैं कि कैग की रिपोर्ट क्या कह रही है। देखिए, फिर से ये बीजेपी के नेता हैं और बीजेपी के पक्ष में बयान दे रहे हैं। ये संजीव खन्ना की बातों को नहीं दोहरा रहे हैं कि संजीव खन्ना ने ईडी को लेकर के क्या कुछ कहा है, ईडी के रवैये को लेकर क्या कहा है, ईडी के इन्वेस्टिगेशन को लेकर के क्या कहा है। वही मैंने दूसरी तरफ बताया कि आम आदमी पार्टी ये नहीं बता रही है कि हाईकोर्ट ने राहत देने से आज साफ इनकार कर दिया था। ऐसे में दो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में आरोप और प्रत्यारोप का दौर दिखाई पड़ेगा। एक बात जो मैंने आपको बताई थी, संजय सिंह की गिरफ्तारी अक्टूबर 2023 में हुई थी, इसलिए अब देखिए अरविंद केजरीवाल को लेकर के उनके पार्टी के लोग जिस तरह का आरोप लगा रहे हैं, जिस तरह की बात कर रहे हैं, उसमें क्या सच्चाई है अभी थोड़ी देर में मालूम पड़ जाएगा, क्योंकि बाहर के तमाम नेता अंदर संपर्क साधने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। महेंद्र सिंह जी, जो आरोप आम आदमी पार्टी के नेता लगा रहे हैं, आपको लगता है कि अब इनकी गिरफ्तारी तय है? अनम्यूट कर लीजिए। देखिए पंकज जी, जो जिस तरीके से आम आदमी पार्टी
की तरफ से बयान आ रहे हैं, और एक 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 ट्रेंड है उस बयानों में, अगर आपने सुना होगा कि आप अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकते हो, लेकिन अरविंद केजरीवाल एक आइडिया है, उनको कैसे गिरफ्तार करोगे, तो ऐसा मतलब उनको साफ अंदेशा है कि ईडी जो है आज अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकती है, खासकर उच्च न्यायालय से जो उनको रिलीफ नहीं मिली है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी है आम आदमी पार्टी की, उसके पीछे जो मुझे लगता है कि ये उद्देश्य है कि 22 अप्रैल की डेट दी थी हाईकोर्ट ने इस पूरे मसले को सुनने की, और अरविंद केजरीवाल पहले ऐसे राजनीतिक व्यक्ति थे जिन्होंने ईडी के सम्मन की वैधता पे प्रश्न उठाया था। उनका कहना था कि मैं इसलिए नहीं जा रहा हूं कि ईडी जो सम्मन लेके आ रही है वो कानूनी नहीं है, वो कानून के खिलाफ है, और इस पे जो है ईडी को भी नोटिस गया था हाईकोर्ट से। तो ये कानूनी लड़ाई है, लेकिन जो जब 2024 के लोकसभा चुनाव सर पे हैं, ऐसे में कानूनी लड़ाई से ज्यादा जो महत्व है वो कि जो आम जनमानस का जो पब्लिक, बिल्कुल 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 आपने एकदम सही कहा महेंद्र सिंह जी, ये लड़ाई पॉलिटिकल बनाने की ज्यादा है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि दोनों पार्टी चुनाव से पहले इस लड़ाई को किस मोड़ पर लेकर के जाते हैं, और खास तौर पर इस सब के बीच ईडी क्या कार्रवाई करती है, अभी आने वाले समय में हमें जरूर पता चलेगा। हम अपने दर्शकों को अपडेट करते रहेंगे।